अपने सब विलेज काउंसिल में जो हमारे सेक्रेटरीज हैं जो देख रहे हैं गांव में क्या हो रहा है त्रिपुरा में, उसके बारे में उनको जानकारी देना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था। और एक बात मैं क्लियरली सबको बोलना चाहता हूँ, पैसा से कोई किसी का दिल नहीं जीत सकता। और आज जो त्रिपुरा में हो रहा है हमारे त्रिप्रसा के साथ, कि पैसा दिखाकर हमारा जो इमोशन है, जो हमारा अधिकार है, उसको तोड़ने का कोशिश हो रहा है, तो मैं आज सबसे बैठकर बात करना चाहता हूँ और उनको बोलना चाहता हूँ कि अभी तक उन्होंने हमारा शांति और प्यार का वातावरण देखा था, लेकिन अगर इन्होंने हमारे इमोशन के साथ, हमारे अधिकार के साथ, हमारा भविष्य के साथ, हमारे त्रिप्रसा का जो भविष्य है उसके साथ खेलने का कोशिश किया, तो त्रिपुरा, त्रिप्रसा और भूभाग्रा हर गांव में, हर गली में, रास्ते में इनका काउंटर करेगा। ये फाइट, ये जो हमारा फाइट है, हमारा अधिकार का फाइट है, जो ज़मीन का फाइट है, जो लैंग्वेज का, पगपरोक का, स्क्रिप्ट का फाइट है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का फाइट नहीं है। आज ये लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, लेकिन हमें बोला जाता है कि कॉकबोरक रोमन स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जाए। मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि ये सब मंत्री एमएलए जो बीजेपी में बैठे हैं, उनका खुद का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा त्रिप्रसा लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, रोमन स्क्रिप्ट में लिखे। आज अगरतला में इलेक्शन होता है, असेंबली में इलेक्शन होता है, लेकिन गांव में हमको गरीब रखा जाता है, गरीब बीसी काउंसिल इलेक्शन नहीं करके, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमको दबा के, हमको भिखारी बनाकर, हमको तोड़ के ये लोग राज करें, ये नहीं चलेगा। और मैं अपने विलेज काउंसिल को बोलना चाहता हूँ, हमारे विलेज लेवल सेक्रेटरीज को बोलना चाहता हूँ, जोनल चेयरमैन को, MDCs को बोलना चाहता हूँ, EMs को बोलना चाहता हूँ, MLAs को बोलना चाहता हूँ, अब टाइम आया है दिखाने के लिए कि हम लोग सैंक्राक भी हैं, हम लोग रेडी हैं। और ये जो उस दिन मैंने BJP का स्टेट प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देखा, मंच में शुक्ला बैठा है, मंच में IPFT का सीनियर लीडर्स बैठा है, और ये लोग बोलते हैं त्रिपुरालैंड होबे ना, त्रिपुरालैंड होबे ना। NCDEV वर्मा के सामने उनका हिम्मत होता है ये बोलने के लिए? नहीं। मेवार कुमार जमातिया के सामने हिम्मत होता बोलने का? नहीं। लेकिन आज हिम्मत दिखाया है, क्योंकि हम लोग ने अपना कमजोरी दिखाया है। ये लोग बोलता है कि इलेक्शन के पहले उन्होंने घोषणा पत्र निकाला, मैक्सिमम ऑटोनोमी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट फंडिंग, विलेज लेवल में ये, यहाँ में ये। आप हमारा बात नहीं मानते, अपना जो आपने वादा किया था त्रिप्रसा को, उसको पूरा करो। नहीं, बोलता है नेशनल पार्टी ते ऐसे जाओ, आंचलिक पार्टी ते कुछ हो बे ना इलेक्शन के पहले। तो अभी आपका चांस है, दो आप नहीं देगा। ये लोग हमको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा। और मैं जनजातीय लीडर्स को भी बोलना चाहता हूँ, अगर त्रिपुरालैंड मिलेगा ना, तभी जिष्णुकर्ता CM बन सकता है, अगर त्रिपुरालैंड मिलेगा ना, तभी विद्युत मिनिस्टर बन सकता है, जब त्रिपुरालैंड मिलेगा तभी आप लोगों को कुछ मिलेगा। आज इस त्रिपुरा में आपको सेकंड क्लास बना के रखा गया है, आपको सिर्फ सेकंड बेस बना के रखा जाएगा। मैं अपने लिए फाइट कर रहा हूँ? नहीं, मैं सबके लिए फाइट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना स्वार्थ देकर अपना त्रिप्रसा को नीचे रख रहे हैं। तो ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है, दिखाने दो, पावर लेके आने दो। भूभाग्रा अकेला अपना कम्युनिटी के लिए, अपना जाति के लिए फाइट करेगा। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। आज तक आपने मेरा अच्छा साइड देखा है, धोखा दिया है, और धोखा का जवाब आपको मिलेगा।